हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज फिर से आपके सामने आई हूँ। आज मैं आपके लिए अपनी रसोई से कुछ खास चीज़ दिखाने के लिए आई हूँ। देखिए क्या आज मेरी रसोई में ऐसा स्पेशल बन रहा है जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है। दिखा बच्चे तो इसे मतलब काफ़ी पसंद करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। अब आपके करें ना करें ये मैं नहीं कह सकती हूँ। और आप इसको बनाइए, घर पे नाश्ते में बनाइए या बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाइए, काफ़ी स्वादिष्ट यह बनता है। दिखाती हूँ आपको आज मैं। स्वादिष्ट के साथ साथ काफ़ी हेल्थी नाश्ता भी होता है, आप ज़रूर इसे बनाइए और बनाने की कोशिश करिए। देखिए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। चलिए चलते हैं किचन की ओर। सबसे पहले मैं लूँगी एक कटोरा, कटोरा मतलब छोटी सी कटोरी से चावल का आटा। ये लिया चावल का आटा, इसमें आप डाल देंगे थोड़ी बेसन। ये डाला नमक, ये डाली हल्दी, बाकी मसाले अगर आप खाना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो बस बच्चे इसको भी बड़े चाव से खा लेते हैं। और अगर आपके पास सूजी, आप सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी अगर आटा है आटा डाल सकते हैं। सब चीज़ इसमें डालिए, इससे कोई वो नहीं होता, स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मेरे घर पर है, देखिए अब इसमें डालूँगी मैं पानी, इसका बैटर बनाएंगे एकदम पतला नहीं। इसमें फिर जब ये इसको भिगाने रख दिया है तब तक मैं ऑनियन काट के, जैसे बाजार में चीला बनता है उसमें ऊपर से, इसमें आप सब इसमें ही मिला सकते हैं ऑनियन वो करके, तो और टेस्ट अच्छा आता है इसका, तो इसलिए मैं इसी में भी काट के अभी इसी में डालूंगी। देख सकते हैं मेरा बैटर घुल चुका है। इसमें और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं जो जो करना चाहें, नहीं तो मैं तो खाली चावल काटा और बेसन। अब मैं काटती हूँ ऑनियन, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने प्याज चॉप कर दिया है, अब मैं इसमें मिला देती हूँ। देखिए हरी मिर्च, अगर ये तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, अगर आप बड़ों के लिए नाश्ते में बनाते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हाँ अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग मिला लें, उससे स्वाद और बढ़ जाएगा आपका, नहीं तो आप ऐसे भी बनाएंगे तो ये भी काफ़ी टेस्टी बनते हैं। दिखाती हूँ आपको बना के कितने बढ़िया पतले पतले चीले मेरे बनते हैं। देखिए और सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता यह है, कभी घर में सब्जी नहीं होती है, बाजार जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो आपके घर में बेसन और चावल का आटा है तो आप ये आराम से बना सकते हैं। अगर हाँ चावल का आटा नहीं भी है तो आप सूजी बेसन आटा मिला के भी इसे बना सकते हैं, ये नहीं कि चावल का आटा होना ज़रूरी है। मेरे पास तो है तो मैंने चावल का आटा डाला है, लेकिन वैसे नहीं तो आप खाली सूजी बेसन उसमें थोड़ी आटा मिला लीजिए, नहीं तो बेसन और सूजी के मिला के बनाइए, वो भी सेम ऐसे ही बनेंगे। एक बार आप बना के ज़रूर देखिए फिर बताना कैसे बने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ करके, ठीक है। देख सकते हैं मेरा बैटर ना ही ज़्यादा ठीक है, फ्लैश लाइट ऑफ थी तो इसलिए दिख नहीं पा रहा होगा। आप देख सकते हैं अच्छे से
गई। अब डालती हूँ इसको। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप उस पर बनाइए, नहीं है तो सिंपल तवे में भी आप बना सकते हैं। मेरे पास तवा तो नहीं है लेकिन हाँ फ्राई पैन है, मैं उसमें बनाती हूँ। इसे दिखाती हूँ आपको, ये भी बना के डालती हूँ बैटर। सबसे पहले मैं थोड़ी सी रिफाइंड इसमें वो कर लूँगी, फिर इसमें आप बैटर डालेंगे। देखिए डाला बैटर, हल्के हल्के हाथ से घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ी कम लग रहा है मुझे तो इसमें और डालती हूँ। हल्के हाथ से इसको शेप दे सकते हैं आप गोल, जहाँ आपको लगता है कि गोल नहीं बना तो बस थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। गैस को गैस का हाई फ्लेम करके थोड़ी देर इसको सिकने दीजिए नीचे से, फिर इसको किनारे किनारे बीच में नहीं किनारे किनारे ऑयल या घी जो आप खाते हैं वो डालिए। देख सकते हैं सीधे करछी से ना निकाल के पहले एक स्पून से इसके किनारे छोड़ लीजिए। ये देखिए आसानी से छूट जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि हमारा एक ओर से सिक गया है। एकदम गीला होगा तो फिर चिपक जाएगा जो फिर छूटेगा नहीं। देखिए इसको हम करके पलट लेंगे, देख सकते हैं एक ओर से बढ़िया से सिक गया है। इसमें ज़्यादा ऑयल या घी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। होगा आपको कहीं पर भी कच्चा नहीं है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए मैं इसको रख रही हूँ अखबार में ताकि इसमें अगर थोड़ी ऑयल और बचा है तो वो भी अखबार सोख लेगा। इसी प्रकार एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी ऑयल, थोड़ी सी आप देख सकते हैं मैं कितना ऑयल लगा रही हूँ। जितना कम पतला खाना चाहते हैं उतना पतला आप इसको बना सकते हैं। देखिए देख सकते हैं बहुत ही पतला है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पतला सा बना है। इसमें डाल देती हूँ किनारों से ऑयल। सिर्फ मैं इतना ही लूँगी जितना आप देख रहे हैं। गैस का फ्लेम डालते समय सिम कर रहा होता है तो बाद में हाई कर लेना चाहिए उसे। बस ये किनारे थोड़े छोड़ लिए मैंने, देख सकते हैं इतनी जल्दी ये बन गया है। ये देखिए ये कितने बढ़िया से, देखिए ये देख सकते हैं। बस इसी प्रकार दूसरी ओर से भी सेक के इसे हम निकाल देंगे। बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला नाश्ता, इसे ज़रूर आप घर पर बनाएं। ये चीले बच्चों के टिफ़न में हमेशा ठंडे करके ही रखने चाहिए, क्योंकि गर्म अगर आप रखेंगे तो भाप आपस में भाप होके और भी मतलब वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए जब एकदम से ठंडे हो जाएं उसके बाद ही बच्चों के टिफ़न के लिए रखें तो इसलिए भी सही रहते हैं। आप करके देखिए इसे और बनाइए घर पे। ये देख सकते हैं स्वादिष्ट नाश्ता तैयार। इसे आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह काफ़ी स्वादिष्ट होगा लगता है, और यह तो खाने के बाद ही पता चलेगा। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।
इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे भी इसी प्रकार की नई नई चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। बिना ऑयल के भी मैं बना सकती हूँ, देखिए इसमें भी मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला।